सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। गाइज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड गाइज आज आप लोगों से मैं लगभग 3 महीने बाद बात कर रहा हूँ। तो पिछले 3 महीने से मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। एंड उसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी, उन्हीं सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस जो मेरा लास्ट वीडियो था जो मैंने 3 महीने पहले अपलोड किया था, तो गाइस उस वीडियो को अपलोड करने के 1-2 दिन बाद ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी जो कॉलर बोन होती है ना वो फ्रैक्चर हो गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी, 2 रीढ़ की हड्डियां भी टूट गई थी। तो जिसकी वजह से मैं उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और फिर उनको लखनऊ ले जाना पड़ा था और वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था और वहाँ से उनका ट्रीटमेंट हो भी रहा था। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए भी बोला था कि ये जो कॉलर बोन है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट एज उनकी ज़्यादा है तो मैंने जो है मतलब ऑपरेशन को अवॉइड किया। और एक बेल्ट आती है वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था लगाने के लिए, तो वो और बाकी जो मेडिसिंस होती हैं उसके थ्रू मैंने सोचा कि पहले हम इलाज करके देख लेते हैं। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद, ये सब होने के बाद करीबन 5-6 दिन बाद हम लोग वापस गांव वाले घर पे आ गए थे। बट यार अचानक से 3-4 दिन बाद उनकी तबीयत पता नहीं क्या हो गया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको लूज मोशन और उल्टियाँ होने लगी और मतलब रात में ये होना होने चालू हुआ है और सुबह वही 10-11 बजे तक ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हमें उन्हें ना हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि मतलब उल्टियाँ और लूज मोशन की वजह से उनके शरीर का पूरा पानी जो होता है ना सब निकल गया था। तो हम उन्हें सुबह सुबह यहाँ से बाराबंकी लेके गए और वहाँ पे फिर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उन लोगों ने दिन भर वहाँ पे रखा और उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट था उन लोगों ने किया। लेकिन मतलब वहाँ पे 1 दिन हमने पापा को रखा और 1 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ भी हुआ था, बट उस पूरे टाइम में उनको जो है यूरिन पास नहीं हुआ था। मतलब करीबन 24 घंटे वहाँ पे रहने के बाद भी उन्हें यूरिन पास नहीं हुआ था। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब आप इन्हें लखनऊ लेके जाइए क्योंकि इनको यूरिन नहीं पास हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं। तो फिर हम लोग जो है पापा को वहाँ से लेके लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पे गए और वहाँ पे इमरजेंसी में दिखाया। तो फिर वहाँ पे भी जो है करीबन 10-12 घंटे उन्होंने इमरजेंसी में रखा और वहाँ पे भी इलाज हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं था तो उन्होंने बोला कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए क्योंकि यहाँ पे बेड नहीं खाली है। फिर उसके बाद हम जो है पापा को लेके गए बलरामपुर हॉस्पिटल और वहाँ पे भगवान की दुआ से बेड मिल गया था। लेकिन वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, वहाँ पे भी उनको यूरिन पास नहीं हुआ 2-3 दिन तक। फिर डॉक्टर्स से मतलब उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को भी बुलाया और आपस में कंसल्ट करने के बाद जो है फिर कुछ दवाइयाँ भी दी गई उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद पापा का यूरिन पास हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने ये बताया था कि पानी बहुत ज़्यादा निकल जाने की वजह से उनकी किडनी में इंजरी हो गई थी और इसी की वजह से यूरिन बन ही नहीं रहा था। तो ये सब होते होते बहुत सारा टेस्ट हुआ और ऐसे करते करते 6-7 दिन बीत गए और पापा की हालत जो है वो धीरे धीरे एकदम ख़राब होती जा रही थी। एंड में यूरिन ना होने की वजह से डॉक्टर ने डायलिसिस भी सजेस्ट किया। तो हम लोगों ने लास्ट के 2 दिन में उनका डायलिसिस भी करवाया।
लेकिन जब पहली बार डायलिसिस हुआ उसके बाद उनका यूरिन थोड़ा सा आना चालू हुआ था, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर ऐसे ही दूसरे दिन डायलिसिस हुआ, और फिर लेकिन 2 दिन डायलिसिस होने के बाद जो है, तीसरे दिन डायलिसिस होने की नौबत नहीं आई। तीसरे दिन रात में वही 8-8 बजे जो है उन्होंने अपना मतलब शरीर छोड़ दिया, और मतलब कह सकते हैं कि 8 बजे जो है उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो पापा एक्सपायर हो गए थे। तो इसी वजह से जो है पिछले 3 महीने से जो है मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि जब से पापा एक्सपायर हुए फिर मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का या कोई भी वीडियो बनाने का, मन एकदम उदास था। लेकिन यह क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। और इसी वजह से अब धीरे धीरे टाइम बीता है, थोड़ा सा 3 महीने बीत चुके हैं और अब थोड़ी सी हिम्मत आई है। तो मैंने सोचा कि जो काम चालू किया था उसको दोबारा से चालू किया जाए। तो अब मैं इसी वजह से वीडियो ये बना के आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि भाई ये रीज़न था जिस वजह से मैं पिछले 3 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था, और अब कोशिश करूँगा कि आपको हर 1-2 दिन में ब्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूँ। अभी भी मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग्स रेगुलर आते रहें। और पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो सब प्लानिंग हो गई थी पहले ही, क्योंकि किट्टू का मुंडन संस्कार होना था जो कि हम लोगों ने माना था कि वैष्णो देवी में होगा। तो इसी वजह से पापा भी जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब वो रहे नहीं। तो फिलहाल अभी मैं वैष्णो देवी जा के आ चुका हूँ और किट्टू का मुंडन भी हो चुका है। तो वहाँ जब मैं गया था, अभी नवरात्रि में हम लोग गए हैं, तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट कोशिश करी थी फिलहाल। तो वो वहाँ के जो भी वीडियोस हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, बट ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया था। तो आई होप कि भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं पिछले 3 महीने से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, और यही रीज़न है इस वजह से नहीं बना रहा था। कोशिश करूँगा कि अब आगे से आपको जो है वीडियोस लगातार मिलते रहें, और अभी जो भी वैष्णो देवी के जो भी वीडियोस थे वो मैं धीरे धीरे करके, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ उनकी, तो वो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। तो गाइस, जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो भाई उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा वैष्णो देवी जाने का। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।